दिक्कत सिर्फ एक जगह पे है कि आप दिन भर में कितना टाइम दे रहे हो, है ना। जैसे आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसने बोला वो 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है, यकीन बैच का ही है, 13-13 घंटे सच में पढ़ रहा है और टेस्ट के अंदर भी कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर कर रहा है, 620 नंबर स्कोर करता है, कभी 640 स्कोर कर दे रहा है, 530 तक भी गया है, उसका लोएस्ट स्कोर 530 रहा है। तो बोला कि सर अदरवाइज मेरे हमेशा 600 प्लस मार्क्स हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या क्या कर रहे हो जो दूसरे बच्चों को मैं सजेस्ट करूं, हमेशा 600 प्लस आ रहे हैं, उसके एक टेस्ट में सिर्फ 530 थे, बीच में 560 भी हैं, सॉरी 500 में उसके दो स्कोर है, 530 560 और 640 तक हो गया है। तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं 13 घंटे पढ़ाई करता हूँ पहली चीज, और मेरा कोई डाउट नहीं बचता है। मैंने पूछा कैसे डाउट नहीं बचता है, उसने बोला लेक्चर सारे फॉलो करता हूँ, जो आप लोग बोलते हो डीपीपी लगाता हूँ, डीपीपी के सोल्यूशन, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा था वो, है ना। मैंने कई बार खोद खोद के पूछना चाहा कि तुम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो अपनी तरफ से, कि कुछ निकल के आया कि मैं बच्चों को बता सकूं, तो उसने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। उसने बोला जो आप बोल रहे हो वही कर रहा हूँ, लेक्चर देखता हूँ सर, डीपीपी सॉल्व करता हूँ, डीपीपी में कोई डाउट होता है तो छोड़ता नहीं हूँ, मैं जाके उसका डीपीपी सॉल्यूशन जरूर देखता हूँ, डाउट्स को अपने छोड़ता नहीं हूँ। तो शायद ये मिस्टेक कई लोग कर रहे हो, डाउट्स को पाइल अप कर रहे हो कि डीपीपी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो चलो ये नहीं आएगा, टफ है, तो ये एटीट्यूड नहीं रखना। 13 घंटे की पढ़ाई उसने बोला, जो मुझे भी थोड़ी सी अजीब लगी कि काफी ज्यादा है, बट आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड। अगर आप सच में इतने बड़े कॉम्पिटिशन को फॉलो कर रहे हो जिसका कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, नीट एप्लीकेंट 16-17 लाख के आसपास जाएंगे ही जाएंगे इस साल, क्योंकि जेई में 22 लाख की नॉमिनेशन आया, उसमें कुछ ना कुछ हमें लग रहा है टेक एरर है, कुछ ना कुछ तो उसमें मैनिपुलेशन हुआ है, पर 22 लाख एप्लीकेंट है, तो जेई में भी आप मान, अरे नीट में भी मान के चलो 16 लाख के आसपास आएगा, और 16 लाख में यार सेलेक्ट वही होंगे लास्ट के 30,000, तो सिलेक्शन रेशियो इतना खराब है इस एग्जाम का, या इतना अच्छा है इस एग्जाम का, जैसे भी बोलो, कि बेस्ट चुनने वाला है। तो एवरेज मेहनत करने वालों के लिए नीट में कोई प्लेस नहीं है बेटा, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो अपने दिल को दिलासा देने के लिए। एक मीडियोकर तैयारी से नीट में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है। मैं ये नहीं कह रहा पेपर बहुत टफ है, पेपर आसान आता है, कट ऑफ ऊपर जाता जा रहा है, सिलेक्शन का रेशियो बहुत खराब है, तो मीडियोकर तैयारी से कुछ नहीं हो सकता। सर्वेश सर से मेरी बात हो रही थी, इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, 16 साल पढ़ा रखा है उन्होंने, तो उन्होंने एक बड़ी चुभने वाली लाइन बोली, बहुत चुभना कि तैयारी तो बच्चा बड़ा मस्त रहता है, ये वो है, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब बड़ा मस्ती से जीवन जीता है, और जब रिजल्ट आता है ना तो उसके बाद सारी मस्ती खत्म होती है। मतलब वो ऑफलाइन के टीचर बता रहे थे कि रिजल्ट के बाद फिर अपने पेरेंट्स के साथ आता है, सर मैंने कहाँ गलती की, तब उसको एक एक पॉइंट याद आता है कि कहाँ गलती की। तो यार बाद में रिपेंट करने से अच्छा है दोस्त यार अभी पढ़ाई कर, तो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो बेटा यहां से 13 घंटे पर डे की पढ़ाई स्टार्ट करो, 13 आवर्स पर डे की। मुझे पता है ये सब बातें करने से थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है क्लास का, बट मुझे यार ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना इससे ज्यादा सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये बातें जो तुमको बता रहे हैं। 13 घंटे तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, 13 आवर्स तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर तुम कह रहे हो कि सर हम यकीन बैच को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ के 6 आवर हटा के भी तुम्हारे बच्चे को। मेरा कहने का मतलब यह है बेटा कि आप बोलो, आप पढ़ाई को मैनेज मत करो, आप लाइफ को मैनेज करो, डिफरेंस समझा। जब आप पढ़ाई को मैनेज करते हो तो आपकी लाइफ में बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसके साथ में आप पढ़ाई को मैनेज कर रहे होते हो। इस तरह से पढ़ाई मैनेज, इसको कहते हैं मैनेज। जब आप पढ़ाई करते हो तो आप लाइफ मैनेज करते हो, है ना, कि सुबह के 12 बज गए आप ब्रश करना भूल गए, ये कहते हैं लाइफ मैनेज हो रही है। अच्छा चलो 12 बजे ब्रश कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा। खाना खाना भूल गए, शाम के 4 बजे खाना खा लिया, लाइफ मैनेज हो रही है। सोना ही भूल गए, रात को 2 बजे सो रहे हैं, किसी तरह से चलो 2 से 8 सो लेंगे। इसको कहते हैं लाइफ को मैनेज करना और पढ़ाई करना। आप में से ज्यादातर लोग इसका अपोजिट कर रहे हो, आप पढ़ाई को मैनेज करते हो कि चला लेते हैं, 4 घंटा अभी पढ़ लेंगे, 2 घंटा तब पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे, है ना। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर शेड्यूल क्या होना चाहिए पढ़ने का, किस टाइम पढ़ूं, क्या ब्रेक लूं, ये नहीं सोचना है। तुम्हें ये सोचना है कि सांस कैसे लेनी है, समझ रहे हो, तुमको बाकी चीजें मैनेज करी। तुम्हें सोचना है यार खाना कैसे खाना है, क्या खाना खाते वक्त भी मैं रिवीजन कर सकता हूँ, हाँ हो सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, कि खाना खाते वक्त मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक लिस्ट खोल लूंगा अपनी फॉर्मुला शीट और रिवीजन करते करते खाना खा लूंगा, मैं लेक्चर देखते देखते खाना खा लूंगा। इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना। आपको ये नहीं सोचना है कि यार टीवी पे इंडियन आइडल हम कैसे देखेंगे या व्हाटएवर दिस डेज आर गोइंग, यार सुबह से इंस्टाग्राम नहीं स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम कैसे स्क्रॉल करें, तो आप यार अनइंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल ये सब ऐप्स को अभी अनइंस्टॉल करो। लाइफ को मैनेज करना है, पढ़ाई को प्रायोरिटी। ये बात समझ में आ गई, अभी टाइम बाकी है। अगर आप लोग का बैकलॉग बहुत बचा है बेटा, अभी बहुत टाइम बाकी है। आज हम लोग का जो डिस्कशन हुआ, आज काफी लंबा बैठ गए थे, तो आज तुमको ये भी बताऊं कि आज मेरा आदित्य आनंद सर के साथ डिस्कशन हुआ यकीन में फिजिक्स के रिविजन को लेकर। आदित्य आनंद सर ने नीट के लिए 5 साल पढ़ाया हुआ,
पांच साल उन्होंने नीट के बैचेस पढ़ाए हैं एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जो जिसका पर्यायवाची आसमान होता है, तो वहां पे जयपुर में उन्होंने 5 साल पढ़ा रखा है। उसके पहले एक और में पढ़ाया है जो कि क्रिश जी का एक ऑल्टरनेट नाम होता है, उस कोचिंग में भी उन्होंने पढ़ाया है, ठीक है, वहां पे तरुण सर ने भी पढ़ाया हुआ है। तो उन्होंने नीट में 5 साल पढ़ा था, तो कह रहे थे सर मेरे को कुछ तो अपॉर्चुनिटी दो, मैं भी वहां पे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो हो सकता है आदित्य सर के साथ एक अच्छा रिवीजन सीरीज प्लान हो जाए। तो बैकग्राउंड में हम लोग सारी मेहनत कर रहे हैं बट सारी मेहनत फ्लॉप हो जाएगी अगर आप सच में 13-13 घंटे का एफर्ट नहीं दे रहे हो। आज आदित्य सर के साथ डिस्कशन हो रहा, तो बोले सर अभी टाइम तो बचा हुआ है काफी। मैंने कहा सर कैसे बचा है? बोले सर अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, जून मिड से पहले आनी नहीं है, बच्चे के पास सफिशियंट टाइम है, 2 बार अटेम्प्ट के चांसेस आ रहे हैं, बच्चे के पास सफिशियंट टाइम है। अगर यहां से भी 13-13, अभी तरुण सर से बात हो रही थी वो तो 15-15 घंटे बोल रहे थे, कहते अगर बच्चा अभी से भी सर 13-15 घंटे पढ़ने लगे तो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है सिलेक्शन। एक ऑनेस्ट एफर्ट तो दो, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दो, ये चीज देखो। नो नॉट अभिलाष सर, आदित्यानंद सर, ठीक है, स्टार्ट करें। तुम दुनिया भर की चीजें पढ़े हो, CW क्या है, ये क्या, तुमसे क्या क्या, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नीट को छोड़ के तुम्हारा कोई एम है ही नहीं। कौन फिजिक्स वाला, कौन अलग पांडे, कौन तरुण सर, कुछ मतलब नहीं। हाँ पढ़ा रहे हैं ज्ञान बटोर के सिलेक्शन पर, ये मतलब क्या हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन से सर आ रहे हैं, क्या CW, तुमको इन सबसे मतलब नहीं, अपना सिलेक्शन निकाल के निकल लेना है। बात समझ में आई? तुम बाकी सब चीजों के लिए बहुत क्राउड पड़ी है दुनिया में, ठीक है। तुम अभी यहाँ पे यकीन बैच में एनरोल हो सिर्फ अपने सिलेक्शन। 13 घंटे, देखो अब एक बच्चा पूछ रहा है 13 घंटे में लेक्चर इंक्लूडेड है कि नहीं, यही तो नहीं पूछना है, यही तो नहीं पूछना है, यही तो नहीं पूछना है, 13 को 17 बनाना है, यही तो नहीं पूछना है, दर दर नहीं भटकना है, हाथ नहीं फैलाना है, हाथ नहीं जोड़ना है, खुद से रगड़ के मेहनत करना है यार, दूसरों से सजेशन नहीं लेते रहना है, ये करना है कि नहीं वो करना है, जितना समय है पूरा पढ़ने में दो। कितने घंटे पढ़ाई करूं? पूरे टाइम पढ़ाई करो। क्यों सर, क्यों पूरे टाइम पढ़ाई करूं? जिंदगी में एंजॉयमेंट और ये वो, तो कर लो फिर एंजॉयमेंट, सीट तो उतनी ही है। कुछ और ऐसे महारथी होंगे, ऐसे घिस्सू होंगे जो दिन दिन भर पढ़ाई करेंगे, आगे निकल जाएंगे। भैया ये इंडिविजुअल वाला मैटर नहीं कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है कि नहीं, मैं जीवन 50,000 कमा रहा हूं, अपने बच्चों को खिला रहा हूं, खुश रहूंगा कि नहीं, बगल वाला पड़ोसी क्या करता है हमें मतलब नहीं। यहां मतलब है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, पड़ोसी अगर ज्यादा मेहनत कर रहा है तो आगे निकल जाएगा, सीट उसकी हो जाएगी, है ना भैया। स्वयंवर मचा हुआ है ये, स्वयंवर, समझ रहे हो कि नहीं, स्वयंवर मचा है, ठीक है ना। स्वयंवर में क्या होता है, स्वयंवर में क्या होता है, एक ही लड़की होती है, एक ही लड़का होता है, बाकी लोग क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं उसके लिए, है ना, जो सबसे बेस्ट करता है उसके गले में वरमाला पड़ जाती है ना। तो वहां ये नहीं कह सकते हो कि बगल वाला राजा तो यार हमें क्या मतलब क्या करेगा, हम तो अपने हिसाब से, हम तो मछली की आंख में नहीं मारेंगे, हम मछली की पूंछ मार देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, बाकी लोग मछली की आंख मार देंगे फिर, बात समझ लो। चलो आगे आते हैं। इस बात को जिस दिन तुमने रियलाइज कर लिया, जैसे मैं क्या करता था कि मेरा जिस दिन 10 मिनट वेस्ट हुआ, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा वेस्ट हुआ, मैं बैठता था अपनी डायरी में लिखता था कि आज मैं इंडिया में 100 बच्चों से पीछे हो गया, फिर मैंने 10 मिनट वेस्ट किया, आज मैं 100 बच्चों से पीछे हुआ। किस दिन मैंने 12 घंटे पढ़ाई की तो मैं लिखता था कि भैया आज इंडिया में 1,000 बच्चों से मैं आगे पहुंच गया, अगले दिन 12 घंटे मैं 1,000 बच्चों से आगे पहुंच गया। ये स्ट्रैटेजी है, ये है कॉम्पिटिटिव माहौल, यही करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कह सकते कि अपनी पढ़ाई से मतलब रखें, इट्स नॉट बोर्ड कि तुम्हारे 90% आ रहे हैं, किससे मतलब नहीं, मैं 95 वाले से मतलब, यहां मतलब है,